भाई अब तो आपको लाखों लोग देखते हैं मतलब मैं चाहता हूँ कि अभी ना आप थोड़ा और जागरूक करो ऑडियंस को कि जैसे हाँ। अभी क्या होता है बहुत से लोग हैं जैसे पार्क में जाते हैं हमारी उम्र के हमसे छोटे बड़े और अपने गर्ल फ्रेंड के साथ बैठे रहते हैं और कुछ एक्सप्लिसिट भी नहीं कर रहे होते फिर भी बाय चांस पुलिस वाला आ जाता है अभी बहुत से लोग जागरूक नहीं है इसके अराउंड तो मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेंड्स में भी ऐसी ना बहुत चीज़ें सुनी है देखी है कि भाई कपल एक गाड़ी में बैठा है तो पुलिस आ गई वीडियो बनाती हुई कि क्या कर रहे हो तुम और डराते धमकाते हैं तो क्या मतलब कैसे रहना चाहिए क्या यूथ के लिए क्या उस टाइम उसके क्या राइट्स हैं क्या सीन है उस टाइम पे पार्क में बैठना इज़ नॉट अ क्राइम यार मतलब अगर हम सेक्शन 294 आईपीसी का पढ़ेंगे तो विच से इज़ आप अगर कोई ऑफसीन एक्टिविटी कर रहे हो पब्लिक प्लेस में देन इट इज़ एन ऑफेंस

और चलो या फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे कंप्लेन करेंगे या थाने चलो ये सब बोलते हैं देखिए इसमें क्या करना चाहिए एक ना बड़ा यंत्र दिया हुआ है सबको मैं सबको बताना चाहूँगा गवर्नमेंट ने एक यंत्र दिया हुआ है स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी उसमें क्या करना है आपको घर बैठे बैठे कंप्लेंट दर्ज कर दो उसकी क्योंकि होता क्या है अगर आप ग्राउंड लेवल से चलोगे तो जो पुलिस वाला आया उसके सीनियर को आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है वो आप फिजिकली जाके कंप्लेंट करोगे वो सुनेगा आपकी नहीं सुनेगा इसमें भी बड़ी चीज़ें हैं अब क्या पता वो चीज़ भी आपको वही बोले हाँ। तो आपने क्या करना है आप जब भी इस सिचुएशन में पड़ जाओ अपना एक सबसे पहले दूसरा पहला यंत्र तो आ, मैंने आपको स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बता दिया दूसरा यंत्र हो गया आपका फोन आप फटाफट से फोन तो सबके पास है स्मार्टफोन सबके पास है कैमरा सबके पास है अपना फ़ोन निकालो उसकी पहले वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो सो दैट यू हैव अ स्पेसिफिक एविडेंस अगेंस्ट दैट पुलिस पर्सन अच्छा उसमें क्या है आपके आप जो भी कंप्लेन डालते हो ना एक्शन बड़ी जल्दी लेते हैं अच्छा बिकॉज दिस ये जो पूरा पोर्टल बनाया गया है दैट इज अगेंस्ट पुलिस दूसरी चीज एक बड़ा इशू आता है जो मैंने भी अपनी वीडियोज डाल के नोटिस किया है इवन आई थिंक यू गाइज ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क दैट थिंग मैं खुद ही बोल देता हूँ तो एक इशू आता है कपल्स को जब वो होटल बुक करते हैं राइट right. एंड uh, उसमें क्या है यार uh, काफ़ी होटल्स में यू नो कपल्स घबराते हैं बुक करने के लिए यार कोई रेड ना पड़ जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए तो ये बड़ा इमर्जिंग टॉपिक है यार तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ हर कपल का राइट होता है ऑल यू हैव टू अटेन इज द मेजोरिटी एज एक अट्ठारह साल की उम्र के ऊपर हो तुम अगर एक लड़का लड़की अट्ठारह साल की उम्र के ऊपर है अगर अपनी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से एक होटल रूम बुक करना चाहते हैं देन दे आर लीगली राइट तो इसमें कोई भी पाप नहीं है कोई भी यू नो ऑफेंस नहीं है कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको रोक सकती है एक चीज रोक सकती है कि जो होटल की पॉलिसी नहीं है जी कपल्स को कमरा देने की अगर होटल की पॉलिसी है होटल ने अलाउड कर दिया आपको आपकी आईडी भी परफेक्ट है दोनों का कंसेंट है फिर भी पुलिस आ जाती है कभी कभार राइट ये इशू है सबको आज की डेट में तो इसमें क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आती है आपकी आर्टिकल ट्वेंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट टू प्रिविसी कहा जाता है इसको एंड ये आपको पूरा आपका मौलिक अधिकार है यार इनफैक्ट फंडामेंटल राइट है आपका आपको ना, प्राइवेट टाइम में प्राइवेट स्पेस में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना इज लीगल एंड कोई भी पुलिस वाला आपको आके ऐसे तंग नहीं कर सकता